हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल वॉइस विद कुशवाहा पर, जिस पर आपको रोज नई नई कहानियां देखने को मिलती रहती हैं। और आज की कहानी है काश। नेहा ने अपनी ताई अम्मा को कहा, यह लीजिए ताई अम्मा, आज की आखिरी खुराक, और ध्यान से सुनिए, ना ही अचार, ना ही चटनी और ना ही ठंडा पानी मिलेगा, तभी ठीक होंगी आपकी खांसी। उसके बाद नेहा ने कहा, अब आप सो जाइए, और बल्ब बंद करके गुड नाइट कहा और कमरे से बाहर निकल गई। बहुत लंबी उम्र पाओ, सदा सुखी रहो बेटा, ये ताई मम्मा के दिल से निकले हुए शब्द थे। आंखें बंद करके वह सोने की कोशिश करने लगी, लेकिन न जाने क्यों आज नींद आने का नाम ही नहीं ले रही थी। मन बेलगाम घोड़े सा तेज अतीत की ओर भागा जा रहा था, और ठहरा तो उस पड़ाव पर जहाँ से वर्षों पहले उनका सुखद गृहस्थ जीवन शुरू हुआ था। गायत्री इस घर की बहू बनकर जब आई थी तो बस 3 सदस्यों का परिवार था, और चौथी वह आ गई थी जिसे घर भर में स्नेह सम्मान के साथ स्वीकारा था। सास यूं लाड़ लड़ाती जैसे वह बहू नहीं इकलौती दुलारी बेटी हो। उसका देवर अमित भाभी भाभी कहता, उसके पीछे पीछे डोलता, और पति आलोक के दिल की तो मानो वह महारानी ही थी। गायत्री की एक मांग उठती तो घर के तीनों सदस्य जी जान से उसे पूरा करने में जुट जाते, और फिर स्वयं अपने ही पर वह इतरा उठती। सोने पर सुहागा की तरह 5 सालों में 2 प्यारे बेटों आरव और आयुष को जन्म देकर तो मानो गायत्री ने किला ही फतह कर लिया। दोनों बेटों के जन्म के उत्सव किसी शादी ब्याह के जैसे ही मनाए गए। गायत्री राज कर रही थी घर पर भी और घर वालों के दिलों में भी। स्वर्ग किसे कहते हैं, यही तो है मेरी धरती का स्वर्ग, गायत्री अक्सर सोचती। अमित ने अपनी इंजीनियरिंग की पढ़ाई के दौरान ही लड़की पसंद कर ली थी, और नौकरी लगते ही उसे लाकर माँ और भाई भाभी के सामने खड़ा कर दिया। जब इन दोनों ने कोई एतराज नहीं किया तो भला वह कौन होती थी विरोध करने वाली। इस तरह माधुरी देवरानी बनकर इस घर में आई तो गायत्री को पहली बार लगा कि उसका एक छत्र ऊंचा सिंहासन ढोने लगा है। माधुरी देखने में जितनी खूबसूरत थी उतना ही खूबसूरत उसका विनम्र स्वभाव भी था। ऊपर से वह कमाऊ भी थी, अमित के साथ ही काम करती थी और उसके बराबर ही कमाती थी। इतने गुणों के बावजूद अभिमान से वह एकदम अछूती थी। देवरानी के यह तमाम गुण गायत्री के सीने में कांटे की तरह चुभते थे, और उसके मन में ही हीन भावना पनपते थे। गायत्री के निरंकुश शासन को चुनौती देने के लिए माधुरी आ पहुंची थी, जो उसे खलनायिका की तरह लगती थी। माधुरी माँ की इस पुकार पर जब वह काम छोड़कर भाग आती तो गायत्री जलकर खाक हो जाती। अमित जो बच्चों की तरह हरदम भाभी ये दो भाभी वो दो के गीत गाता, उसके पीछे पीछे घूमता और अपनी हर छोटी बड़ी जरूरत के लिए उसे ही पुकारता था, अब माधुरी पर निर्भर हो गया था। हाँ, पति अब भी उसके अपने ही थे, लेकिन जब गायत्री माधुरी के साथ मुकाबला करती या उसे नीचा दिखाने की कोशिश करती तो आलोक समझाते, गायत्री माधुरी के साथ छोटी बहन की तरह आचरण करो, तभी इज्जत पाओगी। तब वह कितना भड़कती थी और माधुरी का सारा गुस्सा आलोक पर निकालती थी। माधुरी के प्रति गायत्री का कटु व्यवहार माँ को भी बेहद अखरता था, मगर वह खामोश रहकर अपनी नाराजगी जताती थी, क्योंकि लड़ना झगड़ना या तेज बोलना माँ जी के स्वभाव में शामिल नहीं था। माधुरी आरा और आयुष को भी बहुत प्यार करती थी, वे दोनों भी चाची चाची की रट लगाए उसके इर्द गिर्द मड़ाते, लेकिन यह सब कुछ भी गायत्री को कब भाया था। कभी झिड़क कर तो कभी थप्पड़ मारकर वह बच्चों को जता ही देती कि उसे चाची से उनका मेलजोल बढ़ाना पसंद नहीं है। बच्चे भी धीरे धीरे पीछे हट गए। फिर साल भर बाद ही माधुरी भी माँ बन गई, एक प्यारी सी गोल मटोल बेटी को जन्म देकर। पहली बार गायत्री ने चैन की सांस ली, उसे लगा कि बेटी को जन्म देकर माधुरी उससे एकदम पीछे और एक पर नीचे हो गई है, लेकिन यह गायत्री का बड़ा भारी भ्रम था। 3 पीढ़ियों के बाद इस घर में बेटी आई थी जिसे माँ जी ने पलकों पर सजाया और माधुरी को दुलार कर धन्यवाद भी दिया। माँ और अमित ही नहीं आलोक भी बहुत खुश थे। उतना ही भव्य नामकरण हुआ जितना आरव और
आयुष का हुआ था और उसे नाम दिया गया छाया। फिर 3 साल के बाद दूसरी बेटी नेहा आ गई। अमित की गुड़िया सी बेटियों में माँ जी के प्राण बसते थे। लगभग यही हाल आलोक का भी था। गायत्री से यह बर्दाश्त नहीं होता था। वह अक्सर चिढ़कर बड़बड़ाती, वंश तो बेटों से ही चलता है ना, बेटियां तो पराया धन है, इन्हें इस तरह सिर पर रखोगे तो बिगड़ेंगी कि नहीं। उधर गायत्री के कटु वचनों का सिलसिला बढ़ता जा रहा था। इधर बच्चों में भी अनबन रहती। अक्सर आरव और आयुष के हाथों पिटकर छाया और नेहा रोती हुई दादी के पास आती तो माधुरी बिना किसी को कोई दोष दिए बच्चियों को बहला लेती कि कोई बात नहीं बेटा, बड़े भैया लोग हैं ना। लेकिन दादी माँ से सहन नहीं होता। आखिर एक दिन तंग आकर उन्होंने स्पष्ट घोषणा कर दी, बस अब समय आ गया है कि तुम दोनों भाइयों को अपने जीते जी अलग कर दूं, नहीं तो किसी दिन किसी एक बच्ची का सिर फूटा होगा यहाँ। माँ का फैसला मानो पत्थर के लकीर था और घर 2 बराबर हिस्सों में बट गया। माँ ने साफ शब्दों में गायत्री से कह दिया, बड़ी बहू तुम अपनी गृहस्थी संभालो, मैं अमित के पास रहूंगी। माधुरी नौकरी पर जाती है और उसकी बच्चियां बहुत छोटी हैं अभी, उन्हें मेरी सख्त जरूरत है। हाँ तुम्हें भी अगर मेरी कोई खास जरूरत पड़े तो पुकार लेना, शौक से आ जाऊंगी। गायत्री स्वतंत्र गृहस्थी पाकर बहुत खुश थी, लेकिन हर समय बड़बड़ाना उसकी आदत में शुमार हो चुका था। अतः जब तब उच्च स्वर में सुनाती, अरे कर लो अपनी बेटियों पर नाज, उनके ब्याह के समय तो भाइयों के नेक पूरे करवाने के लिए मेरे बेटे को ही बुलाने आओगी न, या बेटे के बिना तो गति भी नहीं होती, बेटा ही तो चिता को आग देता है, खुश हो लो अभी। गायत्री की इन हरकतों की वजह से माँ जी ने तो उसके साथ बातचीत ही बंद कर दी। माधुरी ने भी पलट कर न तो कभी जेठानी को जवाब दिया और न ही झगड़ा किया। अपनी इसी विनम्रता के कारण तो वह सास और पति के मन में बसी थी। आलोक भी उसकी सराहना करते नहीं थकते थे। जीवन के बही खाते से एक एक साल घटता गया और एक जुड़ता गया। एक घर के 2 हिस्सों में बच्चे पल बढ़ रहे थे। आरव पढ़ाई और खेल में अच्छा खासा था, जबकि आयुष का ध्यान पढ़ने लिखने में नहीं था। उसके लिए एक क्लास में 2 साल लगाना आम बात थी। इधर छाया और नेहा दोनों ही बेहद जहीन थी। पढ़ाई में और व्यवहार में अतिशालीन और अच्छी थी। अमित, माधुरी और माँ ने उन्हें बेटों की तरह पाला था। वैसे भी यह तो सर्वविदित है कि यथा माँ का तथा संतान कुछ इसी तरह के होते हैं। दोनों घरों के बच्चे, कब उनका बचपन बीता और कब यौवन की दहलीज पर उन्होंने कदम रखा पता ही नहीं चला। फिर आए अप्रिय घटनाओं के साल, जिन्होंने नए साल में नए इतिहास लिखे। एक साल वह आया जब आरव अपनी योग्यता के बल पर ऊंचे पद पर नियुक्त हुआ और दूसरे साल बिना किसी की राय लिए उसने एक विदेशी लड़की से कोर्ट मैरिज कर ली। जरूरी औपचारिकताएं पूरी होते ही उसने चंद महीने बाद ही सबको गुड बाय कह दिया, अमेरिका की ओर उड़ान भर ली। तीसरे साल आयुष अपने दोस्तों के साथ घूमने के लिए मुंबई गया तो वहां से वापस ही नहीं आया। बाद में एक दोस्त ने घर आकर गायत्री को आयुष द्वारा एक पारसी लड़की से प्रेम विवाह किए जाने के बारे में बताया। आंटी उसका नाम ईसा है, उसकी आंखें नीलम जैसी नीली हैं, बाल सुनहले हैं और रंग दूध सा गोरा, पूरी अंग्रेजन लगती है वह। उसके पिता का अहमदनगर में एक शानदार बियर बार है। इन तमाम बातों को सच साबित करने के लिए आयुष का खत चला आया। माँ, मुझे ईसा पसंद थी, वह भी मुझे पसंद करती थी। हम शादी करना चाहते थे, मगर उसके डैड की 2 शर्तें थी। एक तो मैं धर्म बदल कर पारसी बन जाऊं और दूसरी मुझे वही रहकर उनका काम संभालना होगा। माँ के लिए यह सुनहरा मौका था, अतः मैंने ईसा के डैड की 2 शर्तें मान ली और कल उसके साथ शादी कर ली। आप लोगों से इजाजत लेना बेकार था, क्योंकि आप कभी इसके लिए तैयार न होते, इसीलिए बस सूचित कर रहा हूँ और आपका आशीर्वाद मांग रहा हूँ। आपका आयुष। गायत्री और आलोक को लगा जैसे सारे कहर एक साथ टूटकर उन पर आ गिरे।
बस एक धरती ही नहीं फटी जिसमें दोनों समा जाते। धर्म बदल लिया, अपने अस्तित्व को ही बेच डाला। ऐसा अधर्म और अवसरवादी इंसान बेटा कैसे हो सकता है? उस लड़की से बेशक ब्याह करता मगर धर्म तो न बदलता, तब शायद मैं उसको माफ भी कर देता और लड़की को बहू भी मान लेता। लेकिन अब कभी नाम भी न लेना उसका गायत्री मेरे सामने। आलोक ने एक लंबी खामोशी के बाद ये शब्द कहे थे। गायत्री भी एक ठंडी सांस लेकर बोल गई, काश बेटों की जगह हमारी भी दो बेटियां होती तो सिमट कर इज्जत से घर तो बैठी होती। बेटियां हैं हमारी भी, आंखों पर अपने पन का चश्मा चढ़ा कर देखो गायत्री, नजर आ जाएंगी, तीखे स्वर में आलोक ने कहा था। इस घटना के 2 माह बाद ही माँ जी चल बसी एकदम अचानक। शायद आयुष और आरव की तरफ से मिला दुख ही इस मौत की वजह बना हो। गायत्री का अभिमान अब चूर चूर होकर बिखर गया था। अब न तो वह चिड़चिड़ा थी और न ही चिल्लाती थी, खुद अपने से ही वह बेहद शर्मिंदा थी। एकदम खामोश रहती थी और जब दर्द सहन शक्ति की सीमा को लांघ जाता है तो रो लेती थी। नेहा और छाया को अब गायत्री अपने पास बुलाना चाहती थी, दुलराना चाहती थी, मगर वह हिम्मत नहीं जुटा पाती। उन बच्चियों के साथ किया अपना कपटपूर्ण दुर्व्यवहार उसे याद आता तो शर्म से सिर नीचा हो जाता। बीटेक के बाद छाया को एक बहुराष्ट्रीय कंपनी में इंजीनियर की पोस्ट मिल गई तो गायत्री के दिल की गहराई से आवाज आई कि काश 2 बेटों की जगह सिर्फ 1 बेटी होती तो आज मैं गर्व से भर उठती। नेहा MBBS का डॉक्टर बन चुकी थी और अब MD की तैयारी कर रही थी। छाया का रिश्ता उसके ही स्तर के एक सुयोग्य युवक पवन से हो गया था। छाया की शर्त थी कि वह बिना दान दहेज के ब्याह करेगी और पवन को यह शर्त मंजूर थी। ब्याह हो गया और कन्यादान गायत्री और आलोक के हाथों कराया गया। गायत्री कृतज्ञ थी माधुरी की, कम से कम एक संतान को ब्याह का सुख सौभाग्य तो माधुरी ने उसके सूने आंचल में डाल दिया। छाया की विदाई के बाद तो आलोक बिल्कुल ही खामोश हो गए। बोलते तो वह पहले भी ज्यादा नहीं थे लेकिन अब तो बस जरूरी बात के लिए ही मुंह खोलते। उम्र के साथ साथ उनका गम भी बढ़ता जा रहा था। गम बेटों के विच्छेद का नहीं, उनकी कपटपूर्ण चालाकियों का था। उनके दिल का सबसे बड़ा दर्द था आयुष का धर्म परिवर्तन। कई बार वह सपने में बड़बड़ाते, कभी माफ नहीं करूंगा नीच को, मेरी चिता को भी हाथ न लगाने देना उसको गायत्री। कहते हैं न, इंसान 2 तरह से मरता है, एक तो सांसें थम जाने पर और दूसरा जीते जी पल पल मर कर। यह दूसरी मौत पहली मौत से ज्यादा तकलीफ देती है क्योंकि जिंदगी की हसरतें और जीने की इच्छा मरती है, लेकिन एहसास तो जीवित रहते हैं ना। ऐसे ही मौत जी रहे थे आलोक और एक रात वह सदा के लिए खामोश और मुक्त हो गए। पति की मौत की वह भयानक रात याद आते ही गायत्री अतीत के घरौंदे से निकल कर वर्तमान के धरातल पर आ गई। उसे अच्छी तरह वह रात याद है जब दोनों एक साथ ही एक ही पलंग पर सोए थे, लेकिन सुबह वह अकेली उठी और वह हमेशा के लिए सो गए। कैसी अजीब बात थी उस शांत निद्रा में कि रात में खुद चलकर गए बिस्तर तक और सुबह किसी और ने उतार कर नीचे धरती पर लिटाया। इस तरह काल का प्रवाह अपने साथ उसके जीवन के उस आखिरी तिनके को भी बहा ले गया जिनके सहारे उसे इस संसार सागर से पार उतरना था। अमित ने बाद में बहुत जोर दिया कि आरव तो विदेश में है, आयुष को ही बुला लिया जाए, लेकिन पति की इच्छाओं का मान रखते हुए गायत्री ने भी किसी बेटे को खबर तक नहीं करने दी। अमित ने ही भाई का दाह संस्कार किया। कैसी सोने की अयोध्या नगरी थी जिसमें वह ब्याह कर आई थी और अपने ईर्ष्या व द्वेष की आग में जलकर उसे लंका बना डाला। बेटे बाद में बारी बारी से आए पर उनका आना और जाना एकदम औपचारिक था। गायत्री भी बेटों के लिए मूरत ही बनी रही। फिर तो यह अध्याय भी सदा के लिए बंद हो गया। छाया, पवन, नेहा और
माधुरी चारों एक दिन एक साथ आए और जिद पकड़कर बैठ गए। ताई अम्मा, आप यह भूल जाएं कि हम आपको यहाँ अकेला छोड़ेंगे, आपको अब हमारे साथ रहना होगा। उठिए ताई मम्मा। बच्चों के प्यार के आगे गायत्री हार गई और वह एक आंगन से दूसरे आंगन में चली आई। उसे याद आया छाया के ब्याह के लिए, जब माधुरी उसके लिए अपने ही जैसी सुंदर और महंगी साड़ी लाई थी और नेहा ने उसे खूबसूरती से तैयार किया था। तब वह हुलस कर उठी थी, देखा आलोक कितनी प्यारी बच्चियां हैं और एक हमारे पूत हैं। काश, और एक निश्वास लेकर गायत्री ने फिर यादों का सूत्र थाम लिया। यह क्षतिपूर्ति थी अपने दुष्कर्मों की, बच्चियों के प्रति प्यार था या उनके मधुर व्यवहार का पुरस्कार कि एक दिन गायत्री ने अपने वकील को बुलवाया और अपने हिस्से की तमाम चल अचल संपत्ति छाया और नेहा के नाम करने की इच्छा जाहिर की। लेकिन अमित और माधुरी ने वकील को यह कहकर लौटा दिया, भाभी आप माने या न माने, यह आयुष और आरव की धरोहर है और हम इस अमानत में आपको मारने नहीं देंगे। छाया और पवन छुट्टियों में आते तो माधुरी की तरह ही गायत्री को भी स्नेह सम्मान देते। पवन दामाद की तरह नहीं, बेटे की तरह खुलकर मिलता और उन्हें ताई मम्मा नहीं बड़ी मम्मा कहकर बुलाता। कहता कि आपने ही तो छाया का हाथ मेरे हाथ में दिया है, फिर आप मेरी बड़ी मम्मा हुई कि नहीं। घर की मीठी चहल पहल पहले महक मन मकसक जाती थी, अब उमंग भरती की काश यह मेरे बेटी दामाद होते तो मैं दुनिया की सबसे सुखी माँ होती। तभी अचानक उसे आलोक की तिरस्कार पूर्ण निगाहें याद आ गईं, तो अपनी ओछी मानसिकता पर उसे अफसोस हुआ। मेरे ही तो बच्चे हैं ये और सीखी तो हूँ मैं, और कैसा होता है सुख, चौथेपन की लाठी बनाने के लिए ही तो माँ बाप पुत्र की कामना करते हैं और वह पुत्र तो कब के मेरा साथ छोड़ गए, मेरे पति की मृत्यु का कारण भी बने और यह फूल सी बच्चियां कैसे मेरे आगे पीछे डोलती हैं। यह सुख नहीं है तो और क्या है, यही सुख भी है और स्वर्ग भी। अचानक गायत्री के मन में यह ख्याल खलबली मचा गया कि बेईमान सांसों का क्या भरोसा, न जाने कब थम जाए और हो सकता है उसकी इसी रात का कोई सवेरा न हो। आलोक के साथ भी तो ऐसा ही हुआ था, इसीलिए अपनी एक खास इच्छा को आकार देने के लिए कागज कलम लेकर गायत्री ने लिखना शुरू किया। मेरी संतान, मेरी दो बेटियां छाया और नेहा ही हैं, और यह मेरी हार्दिक इच्छा है कि मेरी मृत्यु के बाद मेरे शरीर को आग मेरी बड़ी बेटी छाया और दामाद पवन दे, यदि किसी वजह से वह मौजूद न हो तो यह हक मेरी छोटी बेटी नेहा को दिया जाए। मेरे घर जेवर बैंक के पैसे और शेष संपत्ति पर माधुरी छाया और नेहा का बराबर अधिकार होगा। मैं गायत्री पूरे होशो हवास में बिना किसी दबाव के यह घोषणा कर रही हूँ ताकि सबूत रहे। अवकाश शब्द को वह अपनी बाकी बची जिंदगी में कभी जवान पर नहीं लाएगी, यह निश्चय कर गायत्री ने चैन की सांस ली और पत्र को लिफाफे में यह सोचकर बंद करने लगे कि सुबह यह पत्र मैं अमित के हवाले कर दूंगी। पत्र को तकिए के नीचे रख कर गायत्री सोने की कोशिश करने लगी। अब उसका मन शांत था और फूलों सा हल्का भी। हमेशा बेटे ही साथ नहीं देते, बेटियां भी साथ देती हैं। तो दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में लिखकर हमें जरूर बताएं, और आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को एक लाइक जरूर करें और प्यारा सा कमेंट हमें जरूर करें।